इन्फॉर्म करें कि हम लाइव आ गए। बिल्कुल दीक्षित जी, हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक पे, कि हमारा जो टॉपिक है और हम लोग जो बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, किस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे? मैथमेटिकल साइंस। सतन जी हेलो। तो अब बात करना है कि मैथमेटिकल साइंस जो हमारा एग्जाम होना है CSIR का, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आने से पहले हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक को हमें छोड़ना चाहिए या कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इन सब बारे में जो है हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अब आपको मालूम है कि अभी जो एग्जाम होना, ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समय हमारे पास जो है ये आपका अक्टूबर और नवंबर का समय है, दिसंबर में आपका एग्जाम होना है जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, ढेर सारे लोग फॉर्म भी भरे हैं, जिन्होंने अभी नहीं भर पाए, अभी अभी डेट है, जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, बेबी यादव जी नमस्ते। तो जो इसका एग्जाम संभावित है CSIR नेट का 15 दिसंबर को। ठीक है, तो अब समय बहुत कम है। अब देखिए, अब CSIR जो है क्लियर करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत नॉलेज है, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम के लिए जो है आपके पास बहुत नॉलेज है तो आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए, जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से एग्जाम को जो है क्लियर करना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके पैटर्न के बारे में जो है फेमिलियर रहेंगे, भाई हमारा एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या जो सिलेबस है, सिलेबस इसका काफी लेंथी भी है ना। अब दो महीने में चीजों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम जो चीजें एक्स्ट्रा है ना, जो चीजें एग्जाम में नहीं आती है, उन सब चीजों को जो है थोड़ा सा हम अवॉइड करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो समय है थोड़ा कम। ठीक है, तो इसलिए जो है अब हम अपने टॉपिक को देखेंगे, जो टॉपिक ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं जिससे क्वेश्चंस, उन टॉपिक को ज्यादा कवर करेंगे। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप देखें लगभग 8-10 साल से पेपर उठा के आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है, हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन इस समय ट्रेंड में है या क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन कभी कभी एक या दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते। ठीक है, पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, आपका सिलेबस क्या होगा CSIR और हमारा सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिकल साइंस की बात करें। ठीक है, तो हमारा ये पहला ये चार यूनिट में एक्चुअली डिवाइड है, जो आपका सिलेबस है CSIR नेट का मैथमेटिकल साइंस का, चार यूनिट में। यदि आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको चार यूनिट में मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है आपका प्योर मैथमेटिक्स भी है और आपका जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, तो अब आपको देखना ये है कि जो प्योर मैथमेटिक्स में है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, आपका रियल एनालिसिस है। ठीक है, उसके बाद आपका मैट्रिक्स स्पेस है, फिर आपका जो है लीनियर अलजेब्रा है ना, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसके बाद आपका जो है मॉडर्न अलजेब्रा है, फिर आपका टोपोलॉजी। ये कुछ दिन पहले लगभग 2013 में आया है, इसके पहले जो टॉपिक सिलेबस में नहीं था CSIR नेट के एग्जाम। ठीक है, अभी ये लगभग 2013 से स्टार्ट हुआ, इसके क्वेश्चन जो है थोड़ा कम आते हैं। ठीक है, अब आपको अभी हम बताएंगे कि इसमें कितने सेक्शन होते हैं, है ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सिलेबस को देख लेंगे। तो टोपोलॉजी है, उसके बाद आपका जो थर्ड यूनिट, देखिए हमने लिख भी दिया, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है इतने टॉपिक, रियल एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेस और लीनियर अलजेब्रा। सेकंड यूनिट के अंतर्गत आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो यूनिट है इसके अंतर्गत आपको ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है और क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यूनिट 4 है उसके अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स और ऑपरेशन सिस्टम। अब देखिए यहां पे कुछ हम टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है लेकिन पूरा उसको जो है डीप में नहीं जाना, अदरवाइज हमारे पास इतना कम समय है चीजों को जो है कंप्लीट कर पाना जो है मुश्किल होगा। ठीक है, बिल्कुल चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर है किस तरीके से जो हमें एग्जाम को जो है क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है बुक्स की। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। ठीक है, अब यहाँ पे CSIR के लिए बुक्स तो बहुत ढेर सारे मार्केट्स में है पढ़ने के लिए, है ना, तो
उसमें देखिए कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आपके बिल्कुल सीसा या एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखी हुई, ठीक है, उनको पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए आसान काम होगा। अदरवाइज जो बुक्स हैं आप ले लेंगे, इतने ढेर सारी चीजें दी हुई है, कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। नॉलेज तो ठीक है आपको होगा, लेकिन नॉलेज से ज्यादा भी जरूरी है अभी आपका एग्जाम का क्लियर करना, ठीक है। तो उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, आप उसको देख पा रहे होंगे, एक बार उसको रीड कर दे रहे हैं। इन बुक्स को आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है आपको आसानी होगी, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। इसको देखिए, जैसे पहला हमने लिखा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए एआर वशिष्ठा की बुक लिखी है, इंडियन राइटर की बुक्स है, जिसकी जो लैंग्वेज है काफी आसान है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें को दी गई है। इसको आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको आसान लगेगी, ठीक है। उसके बाद रियल एनालिसिस के ढेर सारी बुक्स हैं, ये पोस्टल की है, ये थोड़ा सा जो है इसको हम अभी कहेंगे कि अभी 2 महीने जो टाइम है इसमें इसको ना पढ़े तो ही अच्छा है, उसके बाद आप एग्जाम के बाद नेक्स्ट अच्छी बात है आपका इसी दिसंबर में हो जाए, है ना, लेकिन थोड़ा सा इसको भी आप निगलेक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये रियल एनालिसिस की थोड़ी सी हाई फाई कर सकते हैं बुक है, ठीक है। उसके बाद ये आप भी पढ़ सकती हैं, सब फॉरेन राइटर की बुक्स हैं, ठीक है, पोस्टल रॉबर्ट बार्टले है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज और कुछ जो है आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, कम है, थोड़ा सा वीक है वो चैप्टर या वो टॉपिक, तो आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। तो इसलिए जो है आप करेंगे क्या, जो बुक्स मैं आपको बता रहे उसको आप जरूर देखिए, जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आप यार वशिष्ठा की बुक दे सकते हैं, ठीक है, और रियल एनालिसिस के लिए आप हाँ मलिक की बुक दे सकते हैं, ठीक है, रॉबर्ट बार्टले की भी दे सकते हैं, और पोस्टल तो है, ठीक है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा में ये भी एआर वशिष्ठा की बहुत ही अच्छी बुक है, लीनियर अलजेब्रा की आप यदि आप एआर वशिष्ठा की बुक को पढ़ते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा का आपको कुछ नहीं मालूम है, लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, क्या वेक्टर स्पेस, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्म, तो आपको बहुत अच्छी बुक है, चीजें बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है, चीजों को आप समझ पाए, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा मैथमेटिकल एनालिसिस, वही रियल एनालिसिस की बात करिए, सविता अरोरा जी की भी बुक बहुत ही अच्छी है, ये बिल्कुल बुक आप यदि आप रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो सविता अरोरा जी की बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक हमने लिखा है मैथमेटिकल स्टैटिक्स की, मैथमेटिकल स्टैटिक्स के लिए हमने एस सी गुप्ता एंड कपूर की, खास करके तो उनके लिए ज्यादा अच्छी बेटर है, जिन्होंने आप स्टैटिक्स से उनका जो है बीएससी में सब्जेक्ट रहा होगा उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन तो आते हैं स्टैटिक्स के, तो फिर भी आप इसको रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स है मैथमेटिकल स्टैटिक्स के लिए, एस सी गुप्ता एंड बी के कपूर की, ठीक है। नेक्स्ट बुक है आपकी ओ आर की, ऑपरेशनल रिसर्च, है ना, ये आपकी ए ताहा की बुक है, है ना, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं ऑपरेशनल रिसर्च की, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट करते क्या है, अब देखते हैं जो टॉपिक उनका स्ट्रॉन्ग है ना, तो उस पे ज्यादा फोकस करना भी चाहिए, है ना। अब आप देखते हैं जैसे ये जो पोर्शन है यूनिट 4 वाला पोर्शन है, इसमें जो स्टैटिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं इसमें ज्यादा फोकस करते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इस टॉपिक को जो है ऑलरेडी पढ़े होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, स्टैटिक्स भी पढ़े होते हैं, एज ए सब्जेक्ट ही है उनका, ऑपरेशनल रिसर्च भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया होता है, ठीक है, तो उनको जो है थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए ये पोर्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं यानी जिनका आप ये कह सकते हैं कि बीएससी में स्टैटिक्स नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल सब्जेक्ट होता है, मुश्किल पोर्शन होता है, जो अदर टॉपिक्स हैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हमने नेक्स्ट बुक लिखी है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, है ना, ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें जो है एक पैटर्न है, उसमें कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड आते हैं, और क्वेश्चन का जो पैटर्न है फिक्स रहता है, उसमें कोई नई चीजें नहीं आती, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आप एस एस शास्त्री की बुक जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बुक हमने लिखा है ओडी यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी एंड पीडी मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी वो जो बुक है हमने लिखा है एमपी राय सिंघानिया की, ये बेस्ट बुक है, यानी ओडी पीडी की जो है एमपी राय सिंघानिया से अच्छी बुक हमें नहीं लगता कोई और है, अच्छी बुक है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जितने भी एग्जाम है सारे उसमें जो है मिल जाएंगे, बहुत अच्छी कलेक्शन है उसमें ओडी पीडी की, ठीक है। चाहे आप जिस पर्पस से चाहे सीसाईआर पर्पस से लें, चाहे गिल पर्पस से लें या एनबीएचएम, किसी भी पर्पस से ओडी पीडी के लिए आपको बुक लेना है तो आप एमपी राय सिंघानिया की बुक जरूर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उससे जो है आपका पूरा जितना देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा टॉपिक वाइज इसमें भी सब टॉपिक है ना, उन सब चीजों को लिखना थोड़ा सा वीडियो आप काफी लंबा हो जाएगा,
हमने जो मेन टॉपिक्स लिखे हैं आप ये कर सकते हैं एज ए बुक, इसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं ढेर सारे। जब हम चीजों को जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक बुक है हमने लिखा प्रॉब्लम इन रियल एनालिसिस, अंशुमान जी की है ना, ये भी बहुत अच्छी रियल एनालिसिस की बुक है। और जो आपके पास ढेर सारी बुक ऑलरेडी बीएससी एमएससी या यूजी पीजी लेवल पे आपने पढ़ी है वो तो अच्छी बुक है, उसको आप जरूर ऑलरेडी पढ़े होंगे तो उसको भी देख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन के पैटर्न, ठीक है। जो आपका एग्जाम होना होता है सीएसआईआर नेट का उसमें तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। अब ए बी सी में क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं पूरे टोटल 200 यानी 200 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको मालूम नहीं होगा कुछ आइडिया हो तो कट ऑफ कितना जाता है नेट के लिए, यदि आप टारगेट आप ये बनाए 100+, ठीक है, 110 जाते हैं जो चला आ रहा है, में ज्यादा कम हो सकता है तो आप टारगेट ये होना चाहिए 100+ तो नेट और 110 है तो दिया, ठीक है। उसके बाद यानी जो तीन सेक्शन में आते हैं, जो पहला सेक्शन ए है उसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला जो सेक्शन है इसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, सारी चीजें जो है बोर्ड पे लिखी हुई है ना, क्या सिलेबस है, किस टाइप के पैटर्न है एग्जाम के और क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, सारी आपको बोर्ड के सामने लिखा हुआ, इसको आप बिल्कुल सेव कर लेंगे एक या दो बार इसको आप देख लेंगे तो आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएगी क्या सिलेबस है और क्या हमें बुक्स लेनी चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद और इसमें करना कितने क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, 20 में से जो है आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं। और उसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का 2 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन करने एक में सारे टोटल नंबर आप जो है पूरे मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में है और आपको केवल 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शन बी की बात किया जाए इसमें जो है 40 क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन जो है 40 होते हैं जिनमें से केवल आपको 25 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है, केवल ओनली 25 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद हम आप बात करते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं आपको, उसमें करने कितने होते हैं केवल 20 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि यार केवल 60 क्वेश्चन में केवल 20 क्वेश्चन तो करने हैं, है ना, बिल्कुल सही बात, 60 क्वेश्चन में केवल 20 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4.75 मार्क्स का है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो सेक्शन सी के हैं 4.75 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा ये भी है कि हाँ किस सेक्शन में नेगेटिव मार्क्स है किस सेक्शन में नहीं, इस बात को भी देख लीजिए। सेक्शन ए की बात हम करें तो वहां पर जो आपका नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स है 1/3 का जो है नेगेटिव मार्क्स है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है नेगेटिव मार्क्स है 1/3, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, रीजन है इसके पीछे क्योंकि जो आपका सेक्शन सी है मल्टीपल सेक्शन होता है, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट यानी एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, जैसे हम आपसे कहें कोई क्वेश्चन गिवन है उसके ए ऑप्शन है बी है सी है डी, तो इस क्वेश्चन में जो है ए भी सही होता बी भी सही हो सकता सी भी डी भी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी सही माने, जैसे मान यही क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन ए और बी सही, यदि आप इस क्वेश्चन के जो है सिर्फ ए ऑप्शन यानी केवल टिक करके चले जाते हैं तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, इसके मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जैसे इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, इस क्वेश्चन के आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप ऑप्शन ए में भी टिक करेंगे और ऑप्शन बी में भी टिक करें, ठीक है। जो सेक्शन सी है उसमें जो है नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आप अब देखना ये है किस टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए किस टॉपिक्स को हमें छोड़ना चाहिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो टॉपिक है टोपोलॉजी है इससे जो क्वेश्चंस आते हैं
बहुत कमी आते हैं, कभी कभी एक या दो क्वेश्चन सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आ जाता है और सेक्शन जो है सी में कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। अब इतना बड़ा जो है पूरा टोपोलॉजी की जो है सिलेबस के अंतर्गत काफी चीजें हैं, तो इसको अब इतना कम समय है इसको छोड़ा जा सकता है। हम आपको ये कहेंगे कि भाई जो सिलेबस है हकीकत ये है, यदि आप सिलेबस का केवल 30% आपका चीजें बिल्कुल क्लियर है, आपका नेट डेफिनेटली हो जाए, है ना। तो यानी यहाँ पे सारे सिलेबस को पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए जिसपे लगे कि हाँ ये चीजों को हम जो है कवर कर ले जाएंगे इतने कम समय में, ठीक है। टाइम डेफिनेटली बहुत ही कम है और इस कम समय में जो है आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वही आपको जो है सक्सेस दिला सकती है, ठीक है। आपकी एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जो है 100% सफलता आपको मिलेगी। हर चीज हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दें। यहाँ पे बोर्ड पे जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9628959237। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9628959237। आज हम लोग जो है टारगेट बैच लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज से आज पहली क्लास है उस पर आप देख पा रहे हैं हम लोग जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस किए, एग्जाम में जो है इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में डिस्कस किए और हम लोग अगले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि उतना ज्यादा जो है देखिए ये पोर्शन जो है जो प्योर मैथमेटिक्स है इसमें थ्योरी भी काफी ज्यादा है, हम थ्योरी उन्हीं पोर्शन को टच करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली, जो है एज अ थ्योरम पूछ लिया जाता है, एज अ स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, उन्हीं को टच करेंगे, ठीक है। यानी जो हमारी प्लानिंग है जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सारी चीज को स्टार्ट करेंगे लेके डूब जाएंगे, रीएनालिसिस से शुरू किए पता चला पूरी रीएनालिसिस जो है 2 महीने लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो बहुत कमी है। 2 महीने में जो है हमें चीजों को क्लियर करना है। अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इस बात को हम जब लेक्चर वाइज शुरू करेंगे हर टॉपिक में आपको बताना है, हाँ इस चीज को छोड़ना है इस चीज को पढ़ना। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपके पास नॉलेज बहुत होता है, पढ़ाई भी बहुत कर लेते हैं लेकिन आपको कभी कभी आइडिया नहीं मिलता क्या चीजें हमें पढ़ना चाहिए क्या चीजें छोड़ना चाहिए, उसी में आपको प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये जो है आपका पूरा पूरा आपका एग्जाम का पैटर्न है। कोई डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हर चीज बिल्कुल हम क्लियर कर दें। आपको फी भी थोड़ा सा कभी कभी डाउट होती है उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर दें। जो हमारा फी है बहुत ही मिनिमम फी है, फी को हम लेंगे 5000, ठीक है। जो हमारे कोर्स का जो चलेगा टारगेट बैच है ना CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के लिए उसकी जो फी है, आप बार बार इस क्वेश्चन को करते हो हम यहाँ पे लिख दिए बोर्ड पे 5000 है पूरा कंप्लीट, बहुत ही कम है। आपको तो मालूम है यदि आप दिल्ली में चाहे पाईएम में जाइए चाहे डी सेकेंडरी में जाइए आपको तो फी के बारे में आइडिया होगा ही कितना फी लिया जाता है ना। यहाँ की जो होगी क्लास नोट्स, तो नोट्स की बात भी काफी स्टूडेंट करते हैं सर नोट्स क्या, जो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए पढ़ाया जाएगा उसको आप एज नोट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को ही कराया जाए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन पे हम लोग जो है फोकस करेंगे। टॉपिक वाइज जो हमारा क्वेश्चन चलेगा जैसे हम स्टार्ट करेंगे रीएनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब तक में आए हुए हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उन पे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपके CSIR एग्जाम में आए उन सब जो है क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपनी एक प्लानिंग के तहत जो है हम लोग आज से इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको भी एडमिशन लेना हो अब इसमें बिल्कुल लेट ना करें, फॉर्म आपने फिल कर ही दिया होगा, यदि नहीं फिल किया किए हैं तो भी आप जल्दी से जल्दी CSIR नेट का फॉर्म जरूर फिल कर दें। एक बात जरूर आप ध्यान रखिए, कभी कभी ये होता है जो फाइनल ईयर वाले एग्जाम स्टूडेंट जो पास आउट नहीं है वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके माइंड में होता है अरे अभी मेरी तो बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं है तैयारी नहीं है अभी हमें नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं सोचना है, उनको तो और अच्छे से देना चाहिए क्योंकि उनका ऑलरेडी जो MSc चल रहा है उनका तो अच्छे से क्लियर है MSc और आपका ऑलरेडी BSc भी क्लियर है, तो इसमें लेट बिल्कुल ना करिए, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और यदि आपको एडमिशन लेना है तो इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नेम लिखिए और सब्जेक्ट आपको लिखना है आपका मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। तो कल से हमारा जो है लेक्चर स्टार्ट होगा और कल से हम टॉपिक वाइज जो है चीजों को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे ढेर सारे बुक्स है, अब आपको जो बुक सुटेबल लगे यहाँ पे आप उसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको सलाह ये देंगे कि अभी जो 2 महीने का जो टाइम है इसमें कोई अदर चीज जो है न्यू चीज इसमें से ना पढ़ें,
जो यहाँ पे क्लास में कराई जा रही है या जिस चीज को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज को जो है रिवाइज करिए। कोई नई बुक लेके आप पढ़ जाएंगे तो उसमें इतना ज्यादा जो है कलेक्शन है चीजों को आपको जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप पढ़ें क्या छोड़ें। तो अभी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे जो चीजें यहाँ पे कराई जाएगी आप उस चीजों को जो है कवर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी आप बुक्स को जो है लिख लीजिए अपने कॉपी में, नोट कर लीजिए क्या क्या बुक्स यहाँ पे है। इन फ्यूचर आप अभी भी टाइम है यदि आप पढ़ सकते हैं तो बुक्स कुछ ले लीजिएगा, अदरवाइज सारे बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्लास में जो है मैक्सिमम चीजों को करा दे रहे हैं। रही बात नोट्स को, हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब जब भी आप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस उसके बाद जो है हम आपको कहेंगे तो जो है हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम आज अपनी क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। यदि कोई आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कल से जो है हमारा जो है पढ़ाना जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज हमने डिटेल चर्चा कर लिया क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारा बुक्स है, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 20 में ही 15 करना है, 40 में भी 25 ही करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 60 में 20 करना है ना, तो चीजें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बड़ी आसान है। जैसे हम ये कहेंगे कुछ टॉपिक्स जो है आपको जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जैसे ये सब चीजें जो बहुत आसान है।